दिमाग ठीक करता हूँ मैं इसका। ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? हाँ, तुम्हारे घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई कि पड़ोस से किस तरह से बात करते हैं? तमीज सिखाई है, लेकिन कुछ लोगों को ना इज्जत रास नहीं आती। उठो और चल के अम्मी से माफी मांगो। फरियाल, मैं कह रहा हूँ उठो और चल के अम्मी से माफी मांगो। नहीं, आखिरी दफा कह रहा हूँ, माफी मांगो, उठ के चलो। मैं समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, तो ना इज्जत राजी नहीं आती। उठो और चल के माफी मांगो अम्मी से। मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे ना, फिर भी नहीं मांगूंगी माफी। इतनी नफरत क्यों है तुम्हें मेरी माँ से? नफरत वो करती है मुझसे, मेरी जिंदगी में जहर घोल के रख दी है, और ये दिन वो तुम्हारे कान भरती है और तुम उनके हाथों की कट होती हो, जिसमें तुम्हें इशारों पढ़ना चाहती है और तुम नाचते हो। मजबूर कर रही हो मुझे कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारो मारो, और तुम कर ही क्या सकते हो? मारो, जान से मार दो मुझे। चुप 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 हो जाओ बस। तमाशा लगाने की कोशिश कर रही हो ना तुम? सब समझ में आ रहा है मुझे। इस मोहल्ले में, सोसाइटी में रेपुटेशन है, मेरी खराब पड़ने की जरूरत मत करना। तुमने शोर शराबा मचाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, असली रूप देखोगी मेरा। मेरी इज्जत का जनाजा निकालने की कोशिश कर रही हो ना? 3 लफ्ज बोलने में देर नहीं लगाऊंगा, तलाक दूंगा और घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा।